तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अन्याय सहन करने वाला और अन्याय करने वाला दोनों ही गलत होते हैं। ये शब्द शायद आपको याद होंगे और ये थे सुभाष चंद्र बोस के वो शब्द, अनमोल शब्द, जो जमाने में भी और आज भी हमारे लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। आज उन्हीं की जयंती है इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के 23 जनवरी गुरुवार आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाई और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर स्पेशल डे है। और आज स्पेशल डे है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। आज के राशिफल के अलावा तीन इंपॉर्टेंट आकर्षण भी देखेंगे। वास्तु दोष दूर तो सुख रहे भरपूर, सोते वक्त रखें एक विशेष ख्याल, हल्दी के माला से पाएं रुका हुआ पैसा विशेष उपाय। दर्शकों, दो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। 24, 25 और 26 तारीख को मैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट की डेट दे रहा हूं, जिसमें आप जहां कहीं भी रहते हैं आप उसे टेलीफोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। 21 फरवरी को इंदौर मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व के अवसर पर एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आप सादर आमंत्रित हैं और वहां पर आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष पूजन होगा और साथ ही आप उसे पर्सनली मिल पाएंगे। आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा, खरीदारी, कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ समय नोट करिए, शाम को 5 से 6, ये एक ही समय शुभ है। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक तो राहुकाल रहेगा और वहीं आज सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर 2:03 तक बदरा रहेगी। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। ज्यादातर ध्यान भाग्य की तरफ, भाग्यशाली मानना, भाग्य की उन्नति की तरफ रहेगा। बिजनेस में काम को करते हुए आगे की प्लानिंग बना सकेंगे। वर्क प्लेस पर आपके लिए समय और धन संबंधित सुविधाएं बनी रहेगी। एम्प्लॉयज कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। आपको ननिहाल पक्ष की ओर से ब्लेसिंग मिलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने क्षेत्र में कुछ गलत फहमियों को सुलझा लेंगे। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। लकी कलर ब्राउन नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का ध्यान अपने इर्द गिर्द, नियर और डियर में आकस्मिक कोई परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो स्वभाव में हो या किसी और चीज में, उस पर आपका आंकलन क्या है, आपकी सोच क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपने मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 23 जनवरी को चंद्रमा आपके 8 में रहेंगे, जो हो सकता है कोई मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस या कोई तकलीफ दे दे। अगर ऐसा होता है तो कूल रहकर दिन गुजारें। बिजनेस में आपको कई मामलों में मेहनत का अनुरूप परिणाम शायद नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा व्यथित हो सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखकर काम करें। वर्क प्लेस पर काम करते हुए कुछ अविश्वास और किसी के साथ तर्क, वितर्क, कुतर्क की स्थिति बन सकती है। कोई आपको झगड़े के लिए प्रोवोक कर सकता है, अपना ख्याल रखिएगा। एम्प्लॉयज के कार्यस्थल पर परेशानी वाला दिन हो सकता है, कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई शंका, बाधा डाल सकती है। स्टूडेंट को सफलता कम और किसी बात की चिंता अधिक हो सकती है, मेडिटेशन अवश्य करेगा। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत गड़बड़ हो सकती है। लकी कलर ग्रे नंबर 6 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि, ज्यादातर ध्यान आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कैसे पाया जाए, पाए हुए को कैसे बरकरार रखा जाए, विशेष ख्याल रखिएगा। बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपके शानदार काम की सराहना कर सकते हैं, हो सकता है आपके सामने ना करें, पीठ पीछे करें, जो आपके दिन को भी बेस्ट बना सकता है, लेकिन उससे हमें चने के झाड़ पर चढ़ के नहीं बैठना है, हमें और बेहतर काम आगे करना है। वर्क प्लेस पर आपके मान सम्मान की प्राप्ति के सुयोग बन रहे हैं। एम्प्लॉयज किसी मामले में आपकी राय अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पारिवारिक माहौल शानदार बनेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में फिटनेस का विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत आज मिल सकती है। लकी कलर ऑरेंज नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि, आज आपका ज्यादातर ध्यान मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को दूर करना उस पर रहेगा। बिजनेस में निवेश संबंधित किसी अहम मुद्दे पर आप समय देंगे।
वर्क प्लेस पर करियर में दिन उन्नति कारक रहने की पूरी संभावना है। एम्प्लॉयज को कार्यस्थल पर किसी कठिन कार्य में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक दूसरे के विचार सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। आप दान पुण्य करके आत्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिस्ट अपने किसी प्रोजेक्ट में उम्दा काम करेंगे और आज वाहवाही भी लूटेंगे। हल्का फीवर आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर गोल्डन। नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कार्य दिशा पूर्व रहेगी। 3 आकर्षण में से पहला आकर्षण है वास्तु दोष को दूर किया तो सुख मिलेगा भरपूर। वास्तु के नियमों के अनुसार नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण मुखी मकान में रहने से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। घर के वॉशरूम को गीला रखना, रात में बाहर कपड़ों को सुखाना, झाड़ू को खड़ा रखना, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू लगाना, घर में मकड़ी के जाले, पुराना टूटा फूटा सामान, चाट पर बांस रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष घर में उत्पन्न हो जाते हैं। घर या ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में कहीं पर भी अपने एग्जैक्ट सामने गंदगी को होना बहुत अशुभ माना जाता है। घर में काले, कत्थई, मटबैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल करना भी पूर्ण सही नहीं होता है। साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तो ईशानी कोण आपका मजबूत अगर रहेगा कुंडली में, साफ सुथरा रहेगा तो घर में मां लक्ष्मी का वास रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं, ज्यादातर ध्यान संतान सुख और संतान से सुख की तरफ रहेगा। बिजनेस पर्सन बिजनेस में आर्थिक सूझबूझ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, इससे दिन शानदार गुजरेगा। एम्प्लॉयज के कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ किसी मीटिंग में आपकी अहमियत बढ़ सकती है। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आज या आने वाले टाइम में आपकी वाहवाही करवा सकता है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप की किसी खास जगह जाने की ख्वाहिश पूरी करके सुकून मिलेगा। स्टूडेंट इनोवेटिव तरीके से स्टडी करना चाहेंगे और ऐसा कर भी सकेंगे। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ या यूं कहें कि मौसम का मिजाज आपके खिलाफ है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर पिंक। नंबर 5 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि, ज्यादातर ध्यान सुख सुविधाओं को प्राप्त करना और प्राप्त सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देकर उसका उपयोग उपभोग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने अगर हमारा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 23 जनवरी को चंद्रमा चौथे रहेंगे, जो मानसिक अशांति, काम में डिले, डिस्टर्बेंस को तकलीफ दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कूल रहकर दिन गुजारिएगा। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में अपना फोकस बनाए रखने के लिए बरसक प्रयास करने पड़ेंगे। वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके काम में मन पूरा नहीं लगे तो फैशन, पैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग किसी में भाग लीजिए और दिन को शानदार बनाइए। एम्प्लॉयज, सामाजिक तौर पर दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करके दुखी होने से बचें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आप किसी बात को लेकर तनाव में रहेंगे। आर्टिस्ट अपनी कला में सिद्ध हस्त होने के लिए प्रयासरत रहेंगे पर एकाग्रता की कमी रहेगी। घुटनों में दर्द या जॉइंट पेन परेशान कर सकता है, आप स्ट्रेचिंग करें, बढ़िया दूध पिए, ऑयल ग्रीसिंग जैसे हम गाड़ी में करते हैं खुद की भी करवाएं, लाभ मिलेगा। लकी कलर क्रीम। नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। तुला राशि, ज्यादातर ध्यान मित्रों की तरफ रहना चाहिए, फ्रेंडशिप मजबूत हो। फ्रेंड्स सिर्फ इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि बुरे वक्त पे काम आएंगे और जरूरत के समय काम आएंगे, ये तो स्वार्थ होना। फ्रेंडशिप जिसमें लेजर टाइम हम व्यतीत करें और ठहाके लगाएं बिना किसी संकोच के, वो है दोस्ती। बिजनेस में आपके किसी सपने को सच करने के लिए दिन काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। वर्क प्लेस पर व्यस्त दिन में आप मस्त रहते हुए अपने सारे काम कर सकेंगे। एम्प्लॉयज को कार्यस्थल पर राजनीतिक क्षेत्र से आशातीत परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में खुशी बरकरार रहेगी। बच्चे आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर अपने अपने फील्ड में अच्छे प्रदर्शन से तारीफ बटोरने वाले हैं। सेहत को लेकर आपका झुकाव योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन की तरफ पहले था, अब करने भी लगेंगे। लकी कलर व्हाइट। नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगा। वृश्चिक राशि, आपका ज्यादातर ध्यान आपके पास कितना धन है, कहां से आ सकता है, वो कैसे प्राप्त किया जाए, प्राप्त धन को सही इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इस पर विचार करिए। बिजनेस पर्सन बिजनेस में अनुभव सिद्ध बातों के आधार पर काम करेंगे जो कि प्रगति में सहायक रहेगा। वर्क प्लेस पर बॉस के साथ किसी कार्य में आगे रहकर किसी कार्य को करना विरोधियों के मन में जलन पैदा करने जैसा रहेगा। एम्प्लॉयज को
कार्यस्थल पर तरक्की के सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्टूडेंट स्टडी में, आर्टिस्ट खेल अपने जो भी प्ले करते हैं उसमें, और स्टूडेंट अपने पढ़ाई में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सच बोलना, सच पर चलना, झूठ न बोलना और झूठी तसल्ली न देना, यह बहुत आपके लिए शुभ रहेगा और इससे आपको आप मुरीद बन जाएंगे। हाथ पैर सुन्न होने से परेशानी हो सकती है, आप अपने आप को सुरक्षित रखें गाड़ी चलाते वक्त। लकी कलर रेड, नंबर वन शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे आकर्षण की तरफ। शाम को सोना, पढ़ना और भोजन करना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है। सोने से पहले दातुन या ब्रश जो भी आप करते हैं करके ही सोएं। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धो लें, किंतु गीले पैर सोने से धन का नाश होता है, अतः पैरों को सूखा कर सोएं। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। बार बार थूकने, छींकने, खांसने से बचें। इन बातों का पालन करने से आप अच्छी और गहरी नींद ले सकेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य अगले दिन ऊर्जामय बना रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। ज्यादातर ध्यान अपने विवेक की तरफ होना चाहिए, आपका कॉमन सेंस, आप कैसे रिएक्ट करते हैं बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। बिजनेस पर्सन, बिजनेस में अपनी बढ़िया सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस के चलते मार्केट में ज्यादा ध्यान अर्जित करेंगे। लोग अब आप पर विश्वास करने लगे हैं। वर्क प्लेस पर आपके हार्ड वर्क की हो सकती है कोई बराबरी न कर पाए, हो सकता है कोई आपको जलन के वशीभूत कुछ फंसाने का प्रयास करे, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयज के कार्यस्थल पर सात्विक भावनाओं से ओतप्रोत रहते हुए दिन बीतेगा। दिखावे, पंप एंड शो से बचें। स्टूडेंट प्लेयर आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में प्रैक्टिस से, काम करके, परफेक्शन से जीत हासिल कर लेंगे, सफलता हासिल कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में दिल की आवाज सुनते हुए रिश्ते नातों में मिठास घोलने में आप पीछे नहीं हटेंगे। आप द्वारा की गई सेवा से घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में सुधार आपकी सेवा के फल के रूप में मिलेगा। लकी कलर मैरून, नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मकर राशि, ज्यादातर ध्यान कानूनी दावपेच, कानूनी सलाह लेकर अपने और अपनों को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास जरूर करेगा। आपने अगर मेरा मंथली राशिफल देखा हो तो मैंने कहा था कि 23 जनवरी को चंद्रमा बारहवें रहेंगे, जो हो सकता है मानसिक अशांति, काम में कोई परेशानी, डिले, डिस्टर्बेंस, तकलीफ दे दे। अगर ऐसा होता है तो कूल रहकर दिन गुजारने की कोशिश करें। बिजनेस पर्सन को बिजनेस में किसी भी नए निवेश पर विचार नहीं करना चाहिए आज। वर्क प्लेस पर आपकी कड़ी मेहनत से ही आपके काम बन पाएंगे। एम्प्लॉयज के कोई नया कार्य हाथ में लेना आज हानि पहुंचा सकता है, बल्कि पुराने काम को सही ढंग से करने की भरसक कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपको अपने आवेश पर काबू रखना चाहिए। पुरानी बातों को अब आपको नहीं निकालना चाहिए, जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की हम कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। आर्टिस्ट अपनी पुरानी कला का प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और दुखी होंगे। एक टाइम ऐसा था जब मैं अच्छे ढंग से काम करता था, अब वो बीत चुका है, नया समय है। वाहन बहुत संभल के चलाएं, दुर्घटना की मुझे सुगबुगाहट आ रही है। लकी कलर पर्पल, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को आज ज्यादातर ध्यान अपनी उम्र से बड़ी बहन की तरफ होना चाहिए। बिजनेस पर्सन भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी नए इन्वेस्टमेंट का मानस बना सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए शानदार रिटर्न ला सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप उच्च अधिकारियों के साथ व्यस्त और मस्त रहेंगे। एम्प्लॉयज के ऑफिशियली कार्य को लेकर किसी धार्मिक यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। माता पिता का वरद हस्त आपके लिए वरदान का काम करेगा। स्टूडेंट के फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं देने के योग बन रहे हैं। बुजुर्ग की सेहत की में सुधार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा। लकी कलर येलो, नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मीन राशि, आपका ज्यादातर ध्यान अपने काम को बेस्ट कैसे किया जाए, दूसरों के काम में न टांग अड़ाई जाए, अपने काम को परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। बिजनेस में आपको कोई विदेश डील, दूसरे शहर, राज्य या किसी और जगह पर डील मिल सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मन बहुत खुश रहेगा, पर आप साथ ही प्रोग्रेस की चिंता भी करेंगे। कोई आपको चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेगा और आप चढ़ बन जाइएगा। वर्क प्लेस पर आपके काम के प्रति लगन से काम करने की प्रवृत्ति पूर्व में भी तरक्की दे चुकी है, आगे भी देगी। एम्प्लॉयज को कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल पावर की तरफ आप खींचे चले जाएंगे।
जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग आपके प्यार को परवान चढ़ाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पेरेंट्स से कुछ भी ना छुपाएं और आप उनसे हरी झंडी लेने का इंतजार करें। जब तक वो ना हाँ कर दे तब तक आप रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाएं। मौसम में परिवर्तन, या यूं कहें कि मौसम का मिजाज आपके खिलाफ है। ये जाते जाते कई बार सर्दी, अब ऐसा मौसम है जो दोपहर में गर्मी लगती है, सुबह शाम में ठंड लगती है, तो कहीं फंसा देता है, तो आप ध्यान रखिएगा। लकी कलर पिंक, नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कार्य दिशा उत्तर रहेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, अब मैं वो खास उपाय आप सभी को बता रहा हूं आज के दिन। व्यापार में रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त कैसे हो, इस पर ध्यान रखेंगे। व्यापार, एक व्यापारी के लिए इज्जत सब कुछ है, और दूसरा होता है धन कमाना, जिससे उसका घर गृहस्थी रोजगार लोगों को देता है, वो सब कुछ चलता है। कई बार जिस व्यक्ति की बहुत इज्जत होती है, गुडविल होती है मार्केट में, वो एक पर्चे पर लिख के दे देता है 10 लाख रुपए, तो मिल जाते हैं। और वहीं गुडविल खराब हो तो जिसको आपने दे रखा है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जो लोग आपसे मांगते हैं, वो तकाजा करते रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में पैसा को रुका हुआ है, तो हम गुरुवार को अपने घर के मंदिर में पीली हल्दी की माला अपने व्यवसायिक स्थल के मंदिर में चढ़ाएं। पहले अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं, फिर वहां पर बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसी माला को ले जाकर अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, व्यवसायिक स्थल पर चढ़ा दें। और विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि जहीं कहीं भी पैसा फंसा है, रुका है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। अब मैं प्रिय दर्शकों उन लोगों को अपना स्केड्यूल बताना चाहता हूं जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। 24, 25, 26 तारीख को टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा दिए गए नंबर पर संपर्क करके। 28, 29 फरवरी को दुबई, 14 मार्च को काठमांडू, और फिर मई महीने में अमेरिका के दौरे पर, जून में इंग्लैंड और यूरोप के दौरे पर रहूंगा। 1 और 20 फरवरी और 1 मार्च को मैं मुंबई रहूंगा। 2 फरवरी को पुणे, 8 और 9 फरवरी को सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, 14 फरवरी दिल्ली, 15 फरवरी चंडीगढ़, 16 फरवरी कोलकाता, और 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी हमारे शिविर में भाग ले सकते हैं जो इंदौर, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। वहां पर आप मुझसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष साधना तो करेंगे, साथ में आप पर्सनली मुझे 22 तारीख को इंदौर में मिल भी सकते हैं। 23 फरवरी को मैं नागपुर में रहूंगा और 15 मार्च को गुड़गांवा, गुरुग्राम में रहूंगा। अगर आप इन शहरों, देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें। सुभाष चंद्र बोस जी के विशेष वचनों को याद रखिएगा और अपने आप को भी शक्तिशाली, समृद्धशाली बनाइए। अपनी जुबान को यही विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।